For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा रेखा ने अपनी अदाकारी से फिल्मी जगत में धूम मचा दी थी। फिल्मों में उनका अभिनय काबिले तारीफ था, पर सिर्फ फिल्मों के चलते ही नहीं बल्कि अपने प्रेम संबंधों के चलते भी रेखा ने अपने ज़माने में खूब सुर्खियां बटोरी। रेखा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कई लोगों से उनके प्रेम संबंध रहे, मगर कभी प्यार की गाड़ी किसी के साथ लंबी नहीं चल सकी और रिश्ता बीच में ही टूट गया। और फिर रेखा भी किसी के साथ स्टेबल नहीं रह सकी, यही वजह है कि आज वो अकेले हैं। वैसे सभी प्रेम कहानियों में से महानायक अमिताभ बच्चन के साथ उनकी प्रेम कथा खूब चर्चा में रहती है। जी हाँ, अमिताभ बच्चन भी रेखा की खूबसूरती के कायल थे। एक ज़माने में अमिताभ और रेखा के प्यार की गुफ्तगू बॉलीवुड की गलियों में खूब होती थी और फिर बात शादी तक आ गई थी, लेकिन कुछ वजहों से उनकी शादी नहीं हो पाई और अमिताभ जया बच्चन के साथ शादी के बंधन में बंधकर आगे बढ़ गए। जया और अमिताभ की शादी के पीछे एक छोटा सा किस्सा है। दरअसल एक फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद फिल्म की सारी टीम बाहर घूमने जा रही थी, जिसके लिए अमिताभ बच्चन ने अपने पिता से बाहर जाने की परमिशन मांगी। तो उनके पापा ने पूछा कि क्या जया भी साथ जा रही है। अमिताभ ने हाँ बोलते हुए जवाब दिया। इस पर उनके पिताजी बोले कि बिना शादी किए तुम दोनों एक साथ बाहर नहीं जा सकते, और बस इसी वजह से अमिताभ ने जया के साथ शादी कर ली। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि शादी के बाद भी अमिताभ ने रेखा का साथ नहीं छोड़ा। आखिर क्यों नहीं छोड़ा अमिताभ ने रेखा का साथ, ये आपको हम बताएंगे अपने अगले अपडेट में। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज के साथ स्वाति की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज।